हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा आता है ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 to 12 हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब कोऑर्डिनेशन कराया गया था, या फिर पहले भी तुम्हें लर्न कराया गया होगा, 3D एलिमेंट्स बताए थे मैंने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 30 तक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी 3D1 4S2, 3D3 4S2, सॉरी 3D2 3D3 4S2। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुके हैं इसका रीज़न कि हाफ फील्ड जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो हो रही है डी ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तो हो गया जी 3D एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने यहाँ बताया तीन जो है बेसिकली ट्रांजिशन सीरीज़ हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है 3D ट्रांजिशन सीरीज़, नेक्स्ट 4D, नेक्स्ट 5D। तो सबसे पहले हमने करना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनका एटॉमिक नंबर और इनका नेम। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट 3D सीरीज़ तो आपको आती है, 3D सीरीज़, तो इट इज़ स्कैंडियम, थ्री डी सीरीज़ में आ जाता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अभी मैंने ये तुम्हें बता दिया है। अब उसके बाद आती है हमारे पास 4D सीरीज़। तो 4D सीरीज़ में स्कैंडियम के बाद आता है यट्रियम, ठीक है। 4D सीरीज़ में स्कैंडियम के बाद हमारे पास आता है यट्रियम, देन 5D सीरीज़ में हमारे पास आता है लैंथेनम, उसके बाद हमारे पास टाइटेनियम के बाद टाइटेनियम, इसको मैं एक ही कलर से लिख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। टाइटेनियम के बाद आता है हमारे पास जरकोनियम एंड हॉफनियम। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का है जी स्कूल यार लड़ाई। तो इसको कैसे याद करोगे तुम, फर्स्ट को स्कूल यार लड़ाई, उसके बाद टाइटेनियम जरकोनियम हॉफनियम, टाइटेनियम ज़रा हफ्ता वसूल, वसूल इज साइलेंट, इसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद है वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम, तो इसको याद करोगे वेरी नॉटी बॉय तरुण। उसके बाद है क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, तो इसका है क्रोमियम मोमबत्ती वैक्स। उसके बाद है मैंगनीज टेक्टेनियम रेनियम, तो इसको करोगे मन टिक रे। उसके बाद आयरन रुथीनियम ऑस्मियम, तो इसको ऐसे ही फेरूस। कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, ये तो ऐसे ही याद कर लो। निकल पैलेडियम प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड। और यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है उनको हम क्वाइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, इनके क्वाइंस बनते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D1 4S2, इसकी है 4D1 5S2, इसकी है 5D1 6S2, राइट। तो मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद टाइटेनियम के केस में आओ तो टाइटेनियम की है 3D2 6S2, इसकी है 4D2 5S2, इसकी है जी 5D2 6S2, ठीक है। फिर वेनेडियम की आओ तो 3D3 6S2,
उसके बाद इसमें 4d 4 5s 1 आएगी। इसमें जो 4d है ना उसमें बहुत सारी एक्सेप्शन हैं, तो इसकी अगेन 5d 3 6s 2। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम की तो आपको पता ही है, ये 3d 5 4s 1, और इसकी भी 4d 5 5s 1, इसकी तो 5d 4 6s 2 ही रहेगी। उसके बाद मैंगनीज की आपको पता है 3d 5 4s 2, और मैंगनीज के बाद इसकी आ जाएगी 4d 6 5s 1, इसकी आ जाएगी 5d 5 6s 2। उसके बाद आयरन, आयरन की आपको पता है 3d 6 4s 2, इसकी 4d 7 5s 1, और इसकी 5d 6 6s 2। कोबाल्ट की 3d 7 4s 2, इसकी 4d 8 5s 1, रिडियम की 5d 7 6s 2। निकल की आ जाएगी 3d 8 4s 2, इसमें पैलेडियम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पैलेडियम के केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसकी आ गई प्लैटिनम की 5d 9 6s 1। इसमें ही एक्सेप्शन है, आप देखो पहले सारा कुछ स्मूथली चल रहा है। वो कॉपर यहाँ पर एक्सेप्शन है 3d 10 4s 1, यहाँ पे 4d 10 5s 1, यहाँ पे 5d 10 6s 1, और जिंक के केस में है सारे फील्ड 3d 10 4s 2, इसके केस में 4d 10 5s 2, इसके केस में 5d 10 6s 2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक नंबर की, तो इसको आपको पता ही है, इसका है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। उसके बाद अगर मैं 4d में आऊँ तो यहाँ पे 39 40 41 2 48 43 44 45 46 47 and 48। अब यहाँ पे अगर मैं हम बात करें तो यहाँ पे लैंथेनम का 57 है, और उसके बाद इसके बीच में आते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक, तो यहाँ से बाकी 72 73 74 75 76 77 78 79 and 80 तक आता है। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपने जो याद करना है वो ये है कि पैलेडियम के केस में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स डी में होते हैं, बाकी अब एक्सेप्शंस आपको पता ही है। अब ये एक बार से मैं ऐसे कर देती हूँ, आप देख लो। देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो इस वजह से इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाती है। देखो यहाँ पे ns, ठीक है, तो ये आ जाएगा n-1, d में 1 to 10 फिल हुए हैं, ns 0 to 2। तो दिस इज़ द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कई बार ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं जी, एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डिफाइन, ट्रांजिशन एलिमेंट इज द एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन इन वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल, जिसमें इनकम्प्लीट डी सबशेल है, पार्टली फिल्ड, मतलब कि डी 10 ही होना चाहिए, दैट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स
बिटवीन 0 to 9, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन। तो अब नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कॉपर की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉपर की। तो अब देखो कॉपर जो है, कॉपर क्या है तुम्हें पता है, कॉपर का 29 होता है, तो यहाँ पे आ जाता है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, 3D10 4S1। तो अगर मैं कॉपर पॉजिटिव, तो ये आ गया 3D10 4S0, ये है 1 पॉजिटिव इज़ क्यूपरस आयन। या तो आपको पता ही है कि अगर कोई एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे OUS लगता है, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे IC लगता है। तो यहाँ पे ये क्यूपरिक आयन है, तो ये बन गया 3D9 4S0। अब तुम देखो, अब ये दोनों हैं यहाँ पे कॉपर ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ पर कॉपर ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पे कॉपर ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पर कॉपर जो है अपनी 1 पॉजिटिव स्टेट में है, वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दोनों में जो है, इन दोनों में क्या है, D10 है ना, फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये जो है ट्रांजिशन मेटल हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये दोनों स्टेट्स हैं, ये दोनों को कैन नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन स्टेट। अब जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, 1 to incomplete D shell, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डी सबशेल, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन, इस केस को हम कंसीडर करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन। तो अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे 3D10, यहाँ पे 3D10, तो ये हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे 3D9 है, पार्टली फिल्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 0 to 9, तो ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं, मैंने आपको बोला कि हमने जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो जिंक के केस में 3D10 4S2, इसके केस में 4D10 5S2, इसके केस में 5D10 6S2। तो यहाँ पर देखो कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इसको, हाँ, अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूँ, तो जिंक 2 पॉजिटिव, तो क्या बन गया, 3D10 4S0, कैडमियम 2 पॉजिटिव 4D10 5S0, मरकरी 2 पॉजिटिव 5D10 6S0, ठीक है। अब देखो दोनों केसेस में ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो दोनों केसेस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। बस इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये एंड मेंबर्स हैं ट्रांजिशन सीरीज के, तो इसको हम इसलिए स्टडी कर लेते हैं, इनको भी जो है कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है, सबसे पहले नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हाँ ये देखो जी, यहाँ पर नेक्स्ट है देखो, हाँ यहाँ पे देखो ये कॉपर सिल्वर गोल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर सिल्वर गोल्ड दिया है, तो यहाँ पे देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये भी 10-10 है, तो ये पर अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ये 1 to 9 है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ जी, आपके हैंड में बैलून है। अब देखो, ओ नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक में देखो 3D10, ये सब फील्ड है, और जो इसका आयन है उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, मतलब डी में 1 to 9 नहीं है, 10 ही है, तो इसलिए
हम इसको कंसीडर नहीं करते। और जिंक मेटल जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज शो करता है केमिकल, ठीक है, और इसको एंड मेंबर है इसलिए हम इसको इसके साथ स्टडी कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी जी ये मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी है, ये सब की बता दी है, ये भी हो चुका है हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ अभी हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद है उसके बाद मैं कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेती हूँ, क्या क्या जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले है कि जो अगर मैं बात करूँ जनरल करैक्टरिस्टिक्स, जनरल करैक्टरिस्टिक्स, तो पहली बात करते हैं हम, हाँ जी आपको पता है कि मरकरी जो है, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है, तो मरकरी को छोड़कर मरकरी जो है वो क्या है लिक्विड, मरकरी जो है वो क्या है लिक्विड, सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मरकरी जो है वो लिक्विड है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए बोलते हैं मतलब ये शो करते हैं मेटालिक करैक्टर, जितने भी मेटालिक करैक्टर हैं मेलेबिलिटी डक्टिलिटी और इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके अटोमिक रेडियाई की, अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाया करता है डी ब्लॉक, तो इनका जो अटोमिक रेडियाई है, ठीक है, अटोमिक रेडियाई वो एस और पी ब्लॉक है इन बिटवीन है, ठीक है, अटोमिक रेडियाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है जी। अब इसमें क्या है अगर हम बात करते हैं सीरीज में, तो ये डिक्रीज करता है जब जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज होता है, बट फिर डिक्रीज स्मॉल है आफ्टर मिड वे, उसका रीज़न हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इनके, क्योंकि मेटालिक करैक्टर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ, हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर देन एस और ब्लॉक है, एस ब्लॉक से ज़्यादा है, और लेस देन पी ब्लॉक है, एंड लेस देन पी ब्लॉक है जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डी ब्लॉक का वो है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल मैंगनीज जो है वो प्लस 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, ये हम आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद है जैसे ये निकल प्लैटिनम पैलेडियम ये हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शंस में, तो ये जो है ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, काफ़ी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये फॉर्म करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जहाँ पे भी मतलब आप क्वेश्चन आ जाए ना, अगर कुछ नहीं याद आ रहा, सपोज अगर मैं वो की बात करूं कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट लगा है तो दिस दिस कंपाउंड शो व्हाई बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन, तो इसमें इनमें होती हैं डी डी ट्रांजिशन। अदरवाइज जो ट्रांजिशंस होती हैं वो हम देखते हैं इनके सिलेक्शन रूल हैं लेपोते रूल एंड स्पिन रूल, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। इनके कंपाउंड्स जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, हम ये कह नहीं सकते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं कि डायमैग्नेटिक भी पढ़ चुके हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इनका है, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, ये हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है कि इनकी टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिर से मेरे हाथ में निकल ही आता है, ये वाले कॉम्प्लेक्स हम कर चुके हैं, और आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये तुम्हें पता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है।
अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, एलॉयज भी बनाते हैं। ओके जी, उसके बाद है अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, अगर हम मैं बात करूँ जिंक कैडमियम मरकरी की, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिफरेंट होती हैं बाकी मेंबर्स में से। क्यों इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र क्यों करती हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस हाई है, हाई एटॉमिक रेडियस की वजह से, हाई एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात है इसके कंपाउंड्स वाइट होते हैं, ये वाइट कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है, बाकी कलर्ड हैं। इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी मैंने तुम्हें बोला है कि को एक से लेके मैक्सिमम मैग्नीज की 7 तक है। अब नेक्स्ट है जिंक 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स ऑलवेज डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, बाकियों के पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। और अब जिंक या मरकरी और ये है, ये लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर तुम निकल को देखोगे तो निकल का इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और अगर मैं निकल की बात करूँ वाटर के साथ, तो इसका वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर मैं निकल की अमोनिया के साथ बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं बाकी, बट इनके इसके कॉम्प्लेक्स बड़े लेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जिंक का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो बहुत कम लेस कम मैंने अभी तक देख लो आपके साथ, ज़्यादातर मैंने कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए निकल के, कोबाल्ट के, जिंक के, कैडमियम के कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस नहीं किए। तो इनके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, इसलिए इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिंक कैडमियम और मरकरी का, राइट। तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज़ जो थी, क्या थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब हमने जनरल ट्रेंड डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कैसे वेरी करता है, इनका मेटालिक करैक्टर क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर बात करूँ तो मैंगनीज प्लस 2 से लेके मैंगनीज प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर मैं बात करूँ रुथीनियम की तो ये प्लस 2 से लेके प्लस 8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बट हाँ, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं, इनमें से कुछ कुछ ही स्टेबल हैं, सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट स्टेबल नहीं, बट हाँ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं बनाते हैं। और अगर मैं जिंक की बात करूँ तो वह सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना है कि ये ना बाद में स्टोर ही ना हो। तो बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारा कुछ हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।